हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक, हम यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके मेंबर्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। व्हाट इज़ इट, सबसे पहली चीज़ के यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता क्या है, जिसे यूएन ECOSOC भी कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। इट इज़ वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया तो इट बिकेम अ सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है, कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट लीडर्स या फिर जो एडवांस्ड कंट्रीज थे उस वक्त के, उन्हें ज़रूरत पड़ी कि वी थिंक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड प्रिवेंट अनदर वॉर, तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो था वो एक फेल्ड सिस्टम था या फिर फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन था, बिकॉज ऑफ विच वर्ल्ड वॉर टू हैपेंड। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट जो कि उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, या फिर यूके के प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल जो थे, तो इन सभी लोगों को इंपॉर्टेंस पता चली कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, हमने पिछले वीडियो में भी इस पर बात की है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो बस एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेलीगेट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इन सभी कंट्रीज़ को, इन सभी लीडर्स को इंपॉर्टेंस पता चली कि एक डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, तो उन्होंने फॉर्म किया था यूनाइटेड नेशन। तो उस यूनाइटेड नेशन के सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे, उन्हीं सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं कर सकता, यानी कि वो सेशंस साल में एक बार मिलते हैं और उन्हें एक एजेंडा दिया जाता है, पोर्टफोलियो दिया जाता है, जहां पर 193 नेशंस जो है वोट करते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी सोशियो और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर सोशियो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के, वो पूरे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल करता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये एक एग्जीक्यूटिव पार्ट की तरह काम करता है, जो यूनाइटेड नेशन के सोशल और इकोनॉमिक फील्ड को डील करता है। स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 15 जो है अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के, जिसके तहत वो काम करता है। द 8 फंक्शनल कमीशन एंड 5 रीजनल कमीशन अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ जो यूनाइटेड नेशंस की चलती हैं वो इसी काउंसिल के तहत चलती हैं, जिसके अलग अलग रीजनल ऑफिसेस हैं और ज्यूरिसडिक्शन है। तो व्हाट डस इट डू, यानी कि वो करता क्या है। देखिए, द काउंसिल सर्व्स एज सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती है, जो रेजोल्यूशंस पास करती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो एक फोरम की तरह है, जो डिस्कशन के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ पर चलता है। हालांकि वो जो 7 मंथ्स पहले एक रिपोर्ट दी जाती है, एजेंडा सेट किया जाता है, वो मोस्ट प्रोबेबली इसी फोरम से आती है। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी रिकमेंडेशंस एड्रेस्ड टू मेंबर स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस सिस्टम, यानी कि तमाम जितने भी पॉलिसी रिलेटेड आइटम्स हो वो इसी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो सेट करता है, यानी कि तमाम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के डेलीगेट्स जो रिकमेंडेशंस मिलते हैं, जो अलग अलग मेंबर कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स जो रिकमेंडेशंस हैं देते हैं, वो उन्हें कंसिडर करता है। A number of NGOs have been granted consultative status to the council to participate in work of United Nations. तो हम कई बार बात सुनते हैं Amnesty International की या फिर Human Rights Watch की, ऐसे कई NGOs हैं जो social work से related हैं, तो United Nations Economic and Social Council जो है वो इन NGOs से जो है एक consultative status रखता है, यानी कि इनसे constantly work करता है, इनसे जो है वो recommendations और reports लेता है, ताकि एक agenda set किया जाए United Nations General Assembly के लिए। और 1600 NGOs have consultative status with this council. How it works? तो फिर ये काम कैसे करता है। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो है वो एक कंट्री को एक वोट दिया जाता है, 193 कंट्रीज़ हैं जो कि वोटिंग करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का तरीका क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। इट होल्ड्स 1 4-week सेशन ईच ईयर इन जुलाई। ये भी जो है वो एक एनुअल समिट की तरह काम करता है, जो एक डेलिबरेटिव बॉडी है, सेंट्रल फोरम है डिस्कशन का, जहाँ पर खासकर इकोनॉमिक और सोशल इशूज़ डिस्कस करते हैं। Since 1998, it has also held an annual meeting in April with finance ministers heading key committees of World Bank and International Monetary Fund. तो देखिए,
अहम जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं अक्रॉस वर्ल्ड, जो अलग अलग कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ होल्ड किए होते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF में, तो ये एक डिलिबरेटिव बॉडी की तरह एक्ट करता है, उन्हें एक मंच पर लाता है, एक फोरम पर लाता है जहाँ पर डिस्कशन की जाए इकोनॉमिक ट्रेड या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम इज मीटिंग अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ ECOSOC एवरी ईयर इन जुलाई, तो एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम भी चलती है जुलाई में, यानी कि 1998 से जो है वो दो बार काम करता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पहले अप्रैल में मिलता है जहाँ पर वो इकोनॉमी के बारे में बात करता है, फाइनेंस मिनिस्टर्स वहाँ पर आते हैं। दूसरा जो है वो जुलाई में बात करता है जहाँ पर हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग्स चलते हैं, तो एक जगह इकोनॉमी, दूसरी जगह सोशल इशूज़ डील किए जाते हैं। The National Reviews of Progress and Implementation of 2030 Agenda for Sustainable Development, Voluntary National Reviews are presented and serve as a basis for reviews by High-Level Political Forum. तो देखिए 2030 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2050 में जो हमने अडॉप्ट किए हुए थे, तो ये इसी बेसिस पर नेशंस के रिपोर्ट कार्ड्स देता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाटिया।